एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई, हर जगह फ्लैग ही फ्लैग है। वैसे तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि सोलो राइड करेंगे, मतलब कुछ ओकेशन आ नहीं रहा था। अभी फ़िलहाल निकल चुके हैं एंड सामान वगैरह जो लेना था ले लिया हम लोगों ने। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड, वेलकम टू आशु व्लॉग्स। एंड हाँ गाइज, आज है रक्षाबंधन, तो जितने भी बहन लोग देख रहे हो तो सबको हैप्पी रक्षाबंधन। एंड आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो अपना भाई को, एंड आई होप कि आपका भाई बहुत ही जल्द सक्सेस पा जाए। फिलहाल हम लोगों को कुछ काम था एंड अभी हम लोग जा रहे हैं। फिलहाल पहले तो रिफ्यूलिंग करना पड़ेगा बिकॉज गाड़ी वगैरह में उतना तेल वेल है नहीं, तो रिफ्यूलिंग करना पड़ेगा। एंड कल हम लोगों ने भाई माइलेज टेस्ट किया था जो कि बहुत ही तगड़ा हुआ था। माइलेज में ऑलमोस्ट एक लीटर में भाई 60 km/h का माइलेज दे रही थी, तो मैंने ये होप रखा नहीं था। मैंने सोचा था कि 45 दे देगी लास्ट, बट 60 km बहुत ही तबाही वाला माइलेज मिला हम लोगों को। एंड हम लोगों ने भाई ठीक ही गाड़ी सिलेक्ट किया। आप भी अगर एक्टिवा लेने का सोच रहे हो एंड आप भी सोच रहे हो कि माइलेज वगैरह मिलेगा कि नहीं 6G में, तो भाई आपको तगड़ा माइलेज मिलेगा भाई, सोचो मत, ले लो। हम अभी फ़िलहाल पहले तो रिफ्यूलिंग करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोगों को शैम्पू भी लेने जाना पड़ेगा मैक्स के लिए भाई, अपना पप्पी के लिए। तो फटाफट चलते हैं एंड आज मतलब बहुत ज़्यादा काम है। तो गाइस मैं तो भाई डेली व्लॉग्स करता नहीं था, तो अभी फ़िलहाल सोच रहा हूँ कि डेली व्लॉग्स करूँ, इसीलिए जितना भी हर एक टॉपिक है हर दिन क्या क्या करता हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँ। तो गाइस यहाँ से पहले रिफ्यूलिंग करते हैं एंड देन मिलते हैं आपसे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो गाइस फाइनली हम लोगों का रिफ्यूलिंग हो चुका है डन एंड हम लोगों को अभी पेट शॉप जाना पड़ेगा, वहाँ पर शैम्पू लेना है भाई मैक्स के लिए। तो चलते हैं भाई यहाँ से गया भाई शॉप पे, तो यहाँ से हम लोग राइट टर्न लेते हैं। जो शैम्पू है बनो डिओक्सन, আপনার যে হেলথ টু হেয়ার ফল হয়ে আছে, হিমালয়ান আছে নেকি? এইটোতো এইটো নহয় হেয়ার ফলৰ নহয় ন, এইটো মোৰ দাদাই লৈ গৈছিলে, 200 ml হয় ন? सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जितना भी डॉग का प्रोडक्ट है, तो भैया के साथ अलग दिन ब्लॉग बनाएंगे हम लोग, तो अभी फ़िलहाल थोड़ा बिजी है। तो ये देख सकते हो फाइनली हम लोगों ने ले लिया एंड शैम्पू वगैरह जो भी था, तो अभी चलते हैं। एंड ये बहुत ही अच्छा लगता है भाई, स्कूटी पे आप स्टोर करके रख सकते हो कुछ भी सामान वगैरह रहता है डिक्की पे, जो कि बाइक पे नहीं मिलता। गाइस एक भैया ने मतलब पर्सनली बोला था मेरे को कि यामा का जो नया स्कूटी आया है 155 cc का इरोक्स, तो उसका ऊपर व्लॉग बनाने के लिए। तो आप लोग क्या चाहते हो भाई, उसका ऊपर व्लॉग बना दे? अगर आप भी इरोक्स 155 लेना चाहते हो तो व्लॉग बना देता हूँ मैं, उसका डिटेल वीडियो रहेगा, मिनिमम डाउन पेमेंट वगैरह रहेगा, तो उसका भी कवर करेंगे हम लोग बहुत जल्द। अभी तो फ़िलहाल थोड़ा बिजी होकर रखे है बिकॉज रक्षाबंधन वगैरह है एंड आज तो पूरा पॉकेट खाली होने वाला है। मैंने आज मतलब आज पूरा फैमिली व्लॉग करेंगे अच्छे से, वैसे तो फैमिली व्लॉग डालता नहीं हूँ मैं, बट आज अच्छे से हम लोग फैमिली व्लॉग करेंगे। हमेशा गाड़ी वाड़ी क्या देखोगे मैन, कभी फैमिली भी तो देखो। तो आज फैमिली व्लॉग करेंगे एंड ना फेवरेट रास्ता मैन गुवाहाटी क्लब का।
तो गाइस अभी चलते हैं घर, नहाना भी है एंड राखी वगैरह भी बनवाना है, बहुत काम है भाई। तो चलते हैं घर एंड देन जब मामा घर जाएंगे तो फिर मिलेंगे आपसे। तो घर का भी कुछ सीन देख लो एंड देन उसके बाद डायरेक्ट मामा घर निकल जाएंगे हम लोग। तो वहाँ पे भी कुछ सीन चेक कराएंगे, भाई लोगों से मिलाएंगे आप लोगों को एंड फैमिली लोग से भी मिलवाएंगे। तो चलते हैं अभी। ये देखो भाई, देखो भाई इतना गर्म में ठंडा ठंडा आइसक्रीम कर रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो भाई हम लोग अभी फिलहाल जाम पे फंसे हुए एंड अभी फिलहाल आधा बार इतनी नाली पाए हुए हैं भाई। तो यहाँ से हम लोगों को राइड लेना पड़ेगा, उस पर जाके राइड लेना पड़ेगा। तो मैंने सोचा है कि 15 अगस्त को एक रैली निकाला जाए, तो आप लोगों का क्या कहना है एंड आप लोग भी भाई ज्वाइन कर सकते हो। तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट स्क्रीन पे है, तो वहाँ पे DM करके आप ज्वाइन कर सकते हो भाई। गाइस अभी फ़िलहाल आ चुके हैं हम लोग V2 एंड ये आदाबारी का है भाई। तो यहाँ पे पार्क लगा देते हैं भाई हम लोग। तो चलते हैं, जो सामान लेना था वो ले लेते हैं हम लोग। सो लेट गाइस अभी फ़िलहाल टॉयज के इसमें आ जाए सेक्शन में एंड यहाँ पे देखते हैं भाई, यहाँ पे कुछ ना कुछ ले लेंगे बहन के लिए एंड वो लेके बस गिफ्ट दे देंगे। एंड यहाँ पे बहुत सारा टॉयज है भाई यहाँ पे, तो ऑल ओवर सारा टॉयज मिल जाएगा आप लोगों को। तो फटाफट लेते हैं एंड देन निकलते हैं भाई, बिकॉज हम लोगों को मालेगांव भी जाना है कुछ काम के। तो फटाफट लेते हैं अभी। तो गाइस अभी फ़िलहाल हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं एंड यहाँ पे तो कुछ सामान ही नहीं है भाई, यहाँ पे बस लेडीज़ सेक्शन है भाई। तो यहाँ पे कुछ काम नहीं है एंड चलते हैं अभी नीचे। या इनके यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे के लिए स्पेशल ड्रेस जो है अवेलेबल है। तो गाइस फाइनली सामान वगैरह लेना हो चुका है डन एंड भाई अभी निकलते हैं। एंड गाइस थोड़ा लेट हो गया बिकॉज पेमेंट इशू हो रहा था एंड मेरे पास कैश नहीं था, तो भाई ऑनलाइन पेमेंट इन लोगों का पास नहीं था, बस फ़ोन पे था। तो मेरे को भाई फटाफट फ़ोन पे सेटअप करना पड़ा, वहाँ पे टाइम लगा बट फाइनली हो गया। सो गाइज अभी फ़िलहाल निकल चुके हैं एंड सामान वगैरह जो लेना था ले लिया हम लोगों ने एंड अभी बहुत ज़्यादा धूप लग रहा है भाई, बिकॉज़ अभी AC से आए हैं हम लोग एंड वहाँ पे बहुत ठंड लग रहा था, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। और तो यहाँ से U-turn ले लेते हैं हम लोग। हाँ गाइस ये वीडियो शूट हो रहा है भाई नेक्स्ट मॉर्निंग को, बिकॉज कल शाम हो गया था एंड मैं मामा के घर जाके सो गया था, तो उसके वजह से भाई शूट वगैरह कर नहीं पाए थे हम लोग व्लॉग। एंड अभी फ़िलहाल मैं घर जा रहा हूँ बिकॉज कल बहुत सारा काम है हम लोगों का एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई हर जगह फ्लैग ही फ्लैग है। वैसे तो आज 15 अगस्त है नहीं, आज 13 अगस्त, बट फिर भी यहाँ पे अभी से भाई हर घर तिरंगा का आयोजन स्टार्ट हो चुका है। तो देख सकते हो भाई हर जगह फ्लैग ही फ्लैग। हाँ गाइज मैं सोच रहा हूँ कि मतलब 14 अगस्त मतलब कल, तो कल एक हो सके तो हम लोग सोलो राइड करेंगे भाई, बिकॉज हम लोग भी हर घर तिरंगा का साथ देंगे एंड वो हैशटैग यूज़ करके हम लोग भी सोलो राइड करेंगे। एंड बहुत लोग भाई पूछ रहे थे मेरे से कि कौन सा राइड पे जा रहे हो, कौन सा राइड पे, तो अभी तक मतलब कंफर्म नहीं हुआ भाई कहाँ तक जाएंगे हम लोग,
मतलब मैंने यहाँ पे शॉट लिया था भाई, तो पूरा घटिया क्वालिटी का आया था। मतलब क्वालिटी ठीक था, बस एंगल वगैरह ठीक से नहीं मिला था एंड बहुत ज़्यादा शेक हो रहा था वीडियो, तो उसके वजह से भाई मैंने मतलब वो वाला क्लिप आधा लिया था एंड उसके बाद काट दिया था। बस ये वाला क्लिप ही ठीक है। जब एच डी कैम लगाएंगे, एच डी कैम से वैसे फुटेज ठीक रहता है बिकॉज का स्टेबलाइजेशन है एच डी कैम में, बट फ़ोन पे अगर आप वाइड एंगल पे शूट करते हो तो भाई आपका मतलब स्टेबलाइजेशन घटिया हो जाता है वीवो के फ़ोन पे। अगर आईफोन रहता तो स्टेबलाइजेशन अच्छा रहता है, बट वीवो पे नहीं है फंक्शन स्टेबलाइजेशन का अगर आप वाइड एंगल पे शूट करते हो तो उसके वजह से भाई मैंने काट दिया वो वाला फुटेज। एंड हाँ गाइस, वो वाला फुटेज में मैं यही बोल रहा था कि मतलब एंडिंग ही कर रहा था व्लॉग का, तो मैंने सोचा कि उसमें अच्छे से एंडिंग नहीं हुआ तो इस पर एंड कर देते। एंड जाम वगैरह भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो ही नहीं भाई मैंने मतलब सोचा था कि शिव रक्षाबंधन का ही होगा, बट फिर बाद में मतलब मेरे को राइड का प्लानिंग करना था तो मैंने सोचा कि इस पर ही ऐड कर दे बिकॉज नेक्स्ट मॉर्निंग को तो जाना ही है घर। तो अभी चलते हैं घर एंड ब्लॉग को भी एंड करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन था राइड का वो तो दे ही दिया मैंने आपको। यू लाइक द ब्लॉग, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे एंड ऑलवेज ड्रीम आई एंड फ्लाई हाई। एंड गाइस, इंस्टाग्राम पे मैं सारा अपडेट देता रहूँगा अपकमिंग राइड का, तो भाई फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लेना। स्क्रीन पे आईडी दिखाई दे ही रहा होगा या फिर आशु ब्लॉग सर्च करना आ जाएगा, तो फॉलो करके रखना ताकि आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा वहाँ पे एंड ब्लॉग तो आपको बहुत जल्द दिखने मिलेगा ही। मैं तो चलते अभी भाई।